बच्चों, कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान, लेसन नंबर 1, सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। बच्चों, आज हम ये पाठ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम लोग बात करेंगे कि सजीव किसे कहा जाता है। आप सभी को लोगों को पता है बच्चों कि सजीव मतलब वे सभी जो सांस ले सकते हैं, जिनमें चेतनशीलता होती है, जिनकी निश्चित समय तक वृद्धि होती है, जिन सभी का जन्म भी होता है और वैसे ही उनकी आयु सीमा निश्चित होती है और एक समय के बाद उनकी मृत्यु भी होती है। तो जिनमें ये सभी गुणधर्म पाए जाते हैं उनको सजीव कहा जाता है ना। अब ये सजीव में कौन कौन आते हैं? सजीव में सबसे पहले तो हम मतलब मनुष्य, उसके अलावा सभी प्राणी और वनस्पतियाँ। तो बच्चों, हमको सभी सजीवों का अनुकूलन और बाद में उनका वर्गीकरण भी इस लेसन में हमको समझना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि अनुकूलन के बारे में, अनुकूलन किसे कहा जाता है? तो अनुकूलन प्रत्येक सजीव जिस परिसर में या जिस वातावरण में रहता है, वो उस वातावरण या उस परिसर के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है और उस समन्वय के अनुसार उसके शरीर के अंगों में और उसके जीवन यापन की पद्धति में कुछ परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन के अनुसार जब वो जीवन व्यतीत करता है तो उसे कहा जाता है उसका अनुकूलन। इंग्लिश में इसे अडेप्टेशन कहा जाता है। बच्चों, अनुकूलन समझ में आया? अब इस अनुकूलन के आधार पे हम लोग सभी सजीवों का अनुकूलन समझेंगे। मतलब सजीव में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वनस्पतियों के बारे में। पहले हम वनस्पतियों का अनुकूलन समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्राणियों का अनुकूलन समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ वनस्पतियों के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, वनस्पतियाँ आप लोगों ने अपने परिसर में देखी होंगी, कई सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। कई सारी वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो पानी में पाई जाती है, तो कुछ वनस्पतियाँ मरुस्थलीय प्रदेश में, कुछ वनस्पतियाँ सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देती, तो कुछ इतनी विशालकाय है कि कहीं दूर से दूरी से भी हमको दिखाई देती है। कुछ वनस्पतियाँ बर्फीले प्रदेश में पाई जाती हैं, तो ऐसे वनस्पतियों में कई सारी विविधता होती है। कुछ एक कोशीय होती है तो कुछ बहुकोशीय, कुछ ऐसे कई सारे वनस्पतियों के अंदर अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। इन सभी विविधताओं का आधार होता है उनका अनुकूलन। मैं अनुकूलन एक बार फिर से बताता हूँ कि वनस्पतियाँ या सजीव जिस वातावरण या जिस परिसर में रहते हैं उनके साथ वो जो समन्वय स्थापित करते हैं उसे उनका अनुकूलन या उनका अडेप्टेशन कहते हैं। तो बच्चों, अब वनस्पतियों का अनुकूलन हम सबसे पहले समझेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट के अंदर देखो, एक साइड में वनस्पतियाँ लिखी हुई है, सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ उनका आवास, मतलब वो वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, उसके जड़ के प्रकार, वनस्पतियों की विशेषताएं और उनके तने की विशेषताएं। तो बच्चों, जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हो, यहाँ अलग अलग वनस्पतियों के नाम लिखे हुए, तीन वनस्पतियों का यहाँ पर वर्गीकरण या इनका उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाया हुआ है। जैसे कमल, कमल का आवास मतलब कमल किस तरह के जगह पर रहता है। कमल जनरली पानी के अंदर दिखाई देता है। कमल की जड़ें तंतुमय होती है, वृत्ताकार, चौड़ी, बड़ी मोमयुक्त परत होती है उस पर, है ना। और तने की उसकी विशेषताएं क्या है कि वो मोटा सा प्रकंद होता है। वैसे ही यदि हम नागफनी की बात करें तो नागफनी कहाँ पर मिलता है? रेगिस्तान में। नागफनी की जड़ें कैसी होती है? ये ज़मीन में गहराई तक गई हुई होती है और काफ़ी मोटी होती है। इस वनस्पति की विशेषता क्या है? पत्तियों की विशेषता क्या है कि इसकी पत्तियाँ नहीं होती। ये पत्तियाँ इसके रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पत्तियाँ नहीं होती है, वे सुई की तरह छोटे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही इसके तने की विशेषता क्या है कि इसका ये जो तना है, ये तना पत्तियों के अभाव में अब तना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसके कारण वो हरा दिखाई देता है, वो पूरा हरा भरा हो जाता है। वैसे बरगद कहाँ मिलता है? तो ये जनरली वनाच्छादित प्रदेश में या पहाड़ी प्रदेश पे, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि घास स्थल, मतलब जहाँ पर मैदानी प्रदेश होता है वहाँ पर भी बरगद के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती है जो ज़मीन में काफ़ी दूरी तक फैली हुई होती है। इसकी पत्तियों की विशेषताएँ, अब ये जो जितनी भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इनकी पत्तियाँ जब जंगल में ये रहते हैं तो जंगल में इन पत्तियों में होड़ लगी हुई रहती है सूर्यप्रकाश प्राप्त करने के लिए। इस कारण ये वृक्ष काफ़ी ऊँचे होते हैं, इनकी पत्तियाँ विविध आकार की पाई जाती है, है ना। इनके तनों की यदि बात करें तो इनके तने काफ़ी मजबूत होते हैं और बहुत बड़े तने होते हैं, बड़े और मजबूत। और जो लकड़ियाँ हमको दिखाई देती है ना, वो लकड़ी के तरह के तने होते हैं इनके, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये सिर्फ एक चार्ट का हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था, इस उदाहरण के आधार पर अब हम लोग वनस्पतियों के जितने भी अनुकूलन हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले जलीय वनस्पति का अनुकूलन, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ जो
जल में या पानी में पाई जाती है। जलाशय में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जिनकी जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को पकड़े रखती है, मतलब जलाशय के अंदर जो मिट्टी रहती है उसको दृढ़ता से पकड़े रहती है। इस उसके तने पानी में डूबे रहते हैं, पत्तियां, फूल आदि पानी पर तैरते हैं। ऐसी वनस्पतियों के यदि उदाहरण दो तो कमल, जलकुंभी जैसे वनस्पतियाँ, डंठल, कोमल, इनके खोखले होते हैं और लचीले होते हैं, है ना। वैसे अधिकतम जलीय वनस्पतियाँ जो होती है उनके पत्तियाँ और तने जैसे अंगों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत होती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियाँ संकरी होती है, रिबन जैसी पतली होती है। इस कारण ये वनस्पतियाँ पानी का तेज प्रवाह सहन कर सकती है, है ना। बच्चों, ये जो जलीय वनस्पतियाँ होती हैं उनके जो तने या डंठल रहते हैं ना, तो उसके अंदर एक तरह की स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है। ये खाली जगह क्यों रहती है? जिससे इन वनस्पतियों को पानी में तैरने में ये उपयोगी होता है। वनस्पतियाँ ये पानी में रहती है तो पानी आसानी से ये पानी के अंदर तैर सकती है, पानी के प्रवाह को अपने ऊपर झेल सकती है, इसलिए ये बीच में इनमें खाली जगह दी जाती है। बच्चों, अब कुछ ऐसे सवाल आप लोगों को ढूंढने हैं। को एक्टिविटी के लिए मैं तीन क्वेश्चंस देता हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा आपको सोचना है और अपना जवाब लिखकर बाद में इस ग्रुप पर शेयर करना है। जैसे अरवी या कमल की पत्तियों के पृष्ठभाग से पानी क्यों फिसलता है, इनके ऊपर पानी क्यों टिक नहीं पाता। दूसरा सवाल है, इन वनस्पतियों की पत्तियाँ पानी के कारण सड़ती क्यों नहीं है, है ना। ये दोनों ही सवालों के जवाब आपको सोचने हैं। अभी मैंने जो वीडियो बताया उसमें सभी के जवाब मिल गए आपको, बट फिर भी आपको थोड़ा सा सोचना है, इस पर विचार करना है और बाद में इसके आंसर लिखकर इस ग्रुप पर शेयर करना है। अब बच्चों, अनुकूलन का जो दूसरा प्रकार है, मतलब वनस्पति अनुकूलन का जो दूसरा प्रकार है, वो है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियाँ। मरुस्थलीय प्रदेश मतलब रेगिस्तान वगैरह जो रहते हैं ना, तो अब जैसे इन प्रदेशों की वनस्पतियों की कुछ विशेषताएँ होती है। एक तो यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ का वातावरण काफ़ी गर्म होता है, यहाँ सब जगह रेत ही रेत फैली हुई होती है ना। अब इतनी गर्मी में और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, इतनी कम वर्षा के अंदर सिर्फ वही वनस्पतियाँ टिक सकती है जिनकी जड़ें ज़मीन के नीचे तक जा सके। पानी के खोज में जो जड़ें ज़मीन के नीचे तक जाकर पानी ग्रहण कर सकती है वही वनस्पति यहाँ पर टिकती है। मतलब ऐसी ही वनस्पतियाँ यहाँ पर अनुकूल वनस्पतियों को यहाँ पर अनुकूलन हो सकता है। रेगिस्तान की जो वनस्पतियाँ होती हैं इनमें सामान्यतः पत्ते नहीं होते, इनकी जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। पत्ते न होने के कारण जो इनका तना है अब वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, मतलब वनस्पतियों का भोजन तैयार करने का काम अब तना करता है, इसलिए वो तना पूरा हरा भरा दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे उदाहरण नागफनी, नागफनी का आप लोगों ने पेड़ देखा होगा, पूरा हरा रहता है ना, कैक्टस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास। पानी और भोजन के संग्रह के कारण जो उनका तना है वो काफ़ी मांसल बन जाता है। पत्तियों के अभाव के कारण तने ही प्रकाश संश्लेषण का काम करता है तो वो हरा भरा भी हो जाता है। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती है तो ये काफ़ी दूरी तक फैली रहती है। इन वनस्पतियों के जो तने होते हैं इस पर भी मोमयुक्त पदार्थ की मोटी परत होती है। तो ये इस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं मरुस्थलीय प्रदेश की अनुकूलन के उदाहरण, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे हिम प्रदेश की वनस्पतियाँ, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ जो हिम प्रदेश में मतलब ठंडी जगह पर रहते हैं, जैसे बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, ऊंचे पर्वत, पर्वतीय प्रदेश या हिम प्रदेश में रहने वाली वनस्पतियाँ कौन कौन सी है। तो हिम प्रदेश की वनस्पतियों के जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक चित्र देवदार वृक्ष का, है ना। हिम प्रदेश की वनस्पतियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से देवदार, चीड़ या पाइन, सूचीपर्ण वृक्ष इनका समावेश होता है। इनका आकार शंकु के समान होता है। शंकु के समान क्यों होता है? अब ये इनका अनुकूलन हुआ है परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ यदि पूरे पेड़ पर गिरी हुई रही तो वो पेड़ क्या हो जाएगा, लगातार बर्फ़ के नीचे ढका रहने से वो पेड़ क्या हो सकता है, मृत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ वही पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं जो ऊपर से शंकु आकार के हो, ताकि जो बर्फ़ है वो ऊपर जमे ना, वो ऊपर से फिसल कर नीचे आ जाए। इनकी शाखाओं की रचना अवरोही होती है। इन प्रदेश में बहुत हिमवृष्टि या अधिक ठंडा होने के कारण शंकु के आकार के कारण वनस्पतियों पर बर्फ नहीं जमती, इस कारण ये मोटी छाल के कारण वे ठंडे और निर्वाह कर सकते हैं। इसी प्रकार अपनी मोटी छाल के कारण ये ठंड में भी निर्वाह कर सकते हैं, मतलब इन वनस्पतियों के जो छाल रहती है वो काफ़ी मोटी रहती है। जैसे आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री भी ठंडी जगह पर जनरली पाया जाता है। क्रिसमस ट्री जैसा रहता है ना ऊपर से, वो भी एक तरह का हिम या हिम प्रदेश की वनस्पतियों में हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो भी एक हिम प्रदेश की वनस्पतियों का उदाहरण है, ठीक है। अब वनाच्छादित प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन,
मतलब अब ऐसी वनस्पतियों के बारे में हम लोग देखेंगे जो वन में रहती है, जंगल की वनस्पतियाँ। इन वनस्पतियों में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे जैसे विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए ये सभी वनस्पतियों में एक तरह की होड़ लगी रहती है, एक तरह की स्पर्धा होती है। इस कारण ये सभी वनस्पतियाँ अधिक से अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊँचाई तक उठते हैं। उनका आधार लेकर कई सारी लताएँ भी ऊँचाई तक बढ़ती है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले स्प्रिंग जैसे लता तंतु तने के अनुकूलन से ही बनते हैं। मतलब अब आप यदि वनाच्छादित प्रदेश की बात करें तो वन में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, है ना, ये सभी वनाच्छादित प्रदेश के उदाहरण है। जैसे नीम, बरगद, आम, ये सभी वनाच्छादित प्रदेश है ना, पीपल। वैसी घास स्थल की वनस्पतियाँ, अब हम लोग घास की बात कर रहे हैं बच्चों, घास आप लोग सभी लोगों को पता है। घास स्थल की बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाले झाड़ियों और घास के विविध प्रकार होते हैं। अब घास स्थल में जब हम लोग बात करेंगे तो घास स्थल मतलब ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनकी ऊंचाई थोड़ी छोटी है या जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ हों, विशेष प्रकार से सिर्फ झाड़ियाँ, है ना। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन के क्षरण को रोका जाता है। आप लोगों को पता है बच्चों कि कोई भी वृक्ष जब रखता है तो वो अपनी जड़ों से मिट्टी का क्षरण होने से रोकता है। ये हमने इसके पहले कक्षा छठवीं का जब हम लोगों ने वीडियोस देखे थे तो उसके अंदर भी यह बात हमने समझे थे। विषुवतपर्वतीय प्रदेश में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है, उनमें शेर, बाघ, हाथी, हिरण जैसे कई प्राणी छिप सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली घास की ऊँचाई कम होती है। इस कारण इनमें खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार और मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चरवाह पाए जाते हैं। चरवाह मतलब ये घास के प्रदेश होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो वनस्पतियां हैं, घास वाली वनस्पतियां, उनकी ऊंचाई भी कम होती है, इनकी जड़ें जो हैं वो रेशेदार होती है और ये मिट्टी का क्षरण होने से रोकती है। अब हम लोगों ने इसमें दो तरह के देखे, एक तो विषुवतपर्वतीय प्रदेश में जिसमें अधिक ऊंचाई वाले घास के प्रदेश है, तो वैसे ही हम लोगों ने ठंडे प्रदेश के अंदर कम ऊंचाई वाले घास के प्रदेश है, इनके अंदर कौन से प्राणी का आवास होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है।